दोस्तों, इस दुनिया में लगभग हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर तो लगता ही है और इसी डर को इंग्लिश में कहते हैं फोबिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कितने तरह के फोबिया हैं और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। और आपको बता दें, इस तरह का क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो या UPSC। और ये वाला टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगता है तो इस डर को इंग्लिश में कहते हैं एक्रोफोबिया। जिस इंसान को पानी से डर लगता है तो इस डर को कहते हैं हाइड्रोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया। जिस इंसान को अंधेरे से डर लगता है तो उसे कहते हैं निक्टोफोबिया। जिस इंसान को आग से डर लगता है तो उसे कहते हैं पायरोफोबिया। जिस इंसान को भूतों से डर लगता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं फास्मोफोबिया। जिस इंसान को चोरी या फिर चोरों से डर लगता है उसे कहते हैं क्लिप्टोफोबिया। जिस इंसान को शादी से डर लगता है तो उसे कहते हैं गैमोफोबिया। जिस इंसान को लड़कियों या फिर महिलाओं से डर लगता है उसे कहते हैं गाइनोफोबिया। जिस इंसान को मर्दों से डर लगता है उसे कहते हैं एंड्रोफोबिया। जिस इंसान को बच्चों से डर लगता है उसे कहते हैं पेडोफोबिया। जिस इंसान को किताबों से या फिर किताबें पढ़ने से डर लगता है उसे कहते हैं बिब्लियोफोबिया। जिस इंसान को खूबसूरती यानी एक्सट्रीम ब्यूटी से डर लगता है उसे कहते हैं सेलोफोबिया। जिस इंसान को बदसूरती से डर लगता है यानी अग्लीनेस उसे कहते हैं कैकोफोबिया। जिस इंसान को घूमने से डर लगता है उसे कहते हैं हेडोनोफोबिया। जिस इंसान को पढ़ाई करने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं लोगोफोबिया। जिस इंसान को बीमार होने से डर लगता है उसे कहते हैं पैथोफोबिया। जिस इंसान को कुत्तों से डर लगता है उसे कहते हैं सिनोफोबिया। जिस इंसान को अकेलापन से डर लगता है उसे कहते हैं मोनोफोबिया। जिस इंसान को खून से डर लगता है उसे कहते हैं हेमेटोफोबिया। जिस इंसान को अजनबी लोगों से डर लगता है यानी फॉरेनर्स तो उसे कहते हैं ज़ेनोफोबिया। जिस इंसान को गरीबी यानी पॉवर्टी से डर लगता है उसे कहते हैं पेनियोफोबिया। जिस इंसान को भगवान से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं थियोफोबिया। जिस इंसान को भीड़ से डर लगता है यानी क्राउड या मॉब उसे इंग्लिश में कहते हैं ओक्लोफोबिया। जिस इंसान को फेलियर से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं एटिकीफोबिया। जिस इंसान को बर्ड से डर लगता है यानी पक्षियों से तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ओर्निथोफोबिया। जिस इंसान को सक्सेस से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं अचीव मी फोबिया। जिस इंसान को गिरने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं बैसीफोबिया। जिस इंसान को गाड़ी चलाने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं वीहोफोबिया। जिस इंसान को पब्लिक में बोलने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। जिस इंसान को सांपों से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ओपीडियोफोबिया। जिस इंसान को गड़गड़ाहट और बिजली गिरने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। जिस इंसान को इंजेक्शन से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइपैनोफोबिया। जिस इंसान को उड़ने से यानी फ्लाई करने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं एरोफोबिया। जिस इंसान को अकेला रहने से डर लगता है उसे कहते हैं ऑटोफोबिया। जिस इंसान को दर्द होने से डर लगता है उसे कहते हैं एल्गोफोबिया। जिस इंसान को छिपकली से डर लगता है उसे कहते हैं हर्पीटोफोबिया। जिस इंसान को बंद कमरे में रहने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जिस इंसान को फ़ोन के बिना रहने से डर लगता है उसे इंग्लिश में कहा गया है नोमोफोबिया। जिस इंसान को किसी के द्वारा टच किए जाने का डर लगता है यानी फियर ऑफ बीइंग टच्ड ऐसे डर को इंग्लिश में कहते हैं हेफेफोबिया। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से किस किस तरह का डर आपको है।